जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। हम आप सबकी बहन आरती घोसी ब्लॉग में आप सभी जनों को स्वागत है। तो पहले तो आप सबके लिए बता दें, बागेश्वर धाम सरकार के फुल सपोर्ट में है। कौन सी सरकार और कौन सी सरकार नहीं है सपोर्ट में, बताओ आप सबके लिए बताए हैं। ये वीडियो के माध्यम से आप सबके लिए जानकारी दे हैं। तो पहले वीडियो में आगे बढ़े से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो ने अभी तक नहीं करवाया। तो मैं जल्दी से बिना पकड़ो हम बनाए वीडियो और कोई आ रहा हो सो ढाक लाए मो। और आप सबको बता दें हम आए हैं कहाँ, खेत में। हाँ, खेत में आए हैं काय के, मूंग के खेत में आए हैं निदाई करवे के लाने। पानी गिर रहा तो हमने सोची कि चलो हम भी निदाई करवा लें। क्या करें, घर बैठे यहाँ पर सपोर्ट कर नहीं रहा, तो घर बैठे अब फ्री में तो कोई कोई खा भी देने दे, सास ससुर को ठेका लाए। अब घर को काम उसे होत नहीं है ए मेहनत होवे ना कछु, उसे कर तो ले थे माना फिर भी अब होत नहीं है। आप सबको पता ही कि हमें मूड में लग गई थी, जब से मेहनत नहीं होती है तो हमने सोची कि तनक निंदाई कर दें मूंग की। अब मूंग वही है खेत में। तो चलो आपको जो बता रहा है बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपने बागेश्वर धाम सरकार की जो दिव्य दरबार लग्न है और महाकार्यक्रम होने हैं, जो कि बागेश्वर धाम सरकार हनुमत कथा को आयोजन होने हैं, कहाँ होने हैं आयोजन, जो भी आप सबके लाने बता दें। बागेश्वर धाम सरकार को बिहार पटना में कार्यक्रम को आयोजन होने हैं। तो उत ऐसे का होगा है कि बागेश्वर धाम सरकार के लाने बहुत सारी पार्टी हैं जो कि उतर बिहार की और हर जगह की हैं। तो राजनीति कार्यक्रम है, जो वोटे चुनाव आते हैं सुबह वे कहते हम अच्छे हैं, वे कहते हम अच्छे हैं, सब अच्छे रहते हैं लेकिन जो काम करे वो अच्छो है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं, तो भैया बीजेपी तो उतर आई, बीजेपी ने कहा कि देखा से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जो अभद्र बातें करी जाने दी, और एकदम मुजफ्फरपुर में जो उनके ऊपर केस भी दर्ज होगा है। आप सबको पता ही है कि 10 तारीख को उनकी पेशी है बागेश्वर धाम सरकार की, तो पेशी में का सुनवाई हुई जो तो आप सबके लाने 10 तारीख को पता चले, हमें भी पता चले तो आपको भी पता चले, हम ही बने हैं वीडियो बहुत सारी न्यूज़ भी आ रही है। तो बीजेपी ने पता है का कह रही है, बीजेपी ने कही है अगर बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ कोई भी अभद्र बात करे या उनके लाने आवे के लाने कोई भी रुकावट पैदा करे तो उनके यहाँ से मुक्का वाला मार है, जो भी कहे तो उनके 32 दांत झड़ दे। भैया हम नहीं कह रहे, हम काहे टोरे, हमारे तो टूटे धरे दांत, जो तो छाल होगा दांत टूटो सो हम काहे टोरे, हमने टोरे। बाकी वे उनने खुद कह दी है कि जो को मतलब बागेश्वर धाम सरकार के खिलाफ बोल है या तो कछु उनके 32 झरजे है। तो भैया का है ये का नहीं हुई है, जो तो फिर देखने वाली बात है। और इंतजार करो भैया आप और हम करें इंतजार कि भैया जब बागेश्वर धाम सरकार बिहार पटना में उनकी कथा हुई है तो तब हुई है का इतने ज़्यादा अब ऐसे घमासान मचो है, तो युद्ध सो मचो युद्ध ही हो रहा हो। कैसे उनने अपनी अपनी टीमें तैयार कर ली, आर्मी तैयार कर ली, लोगों ठाणो कर लो भैया के बागेश्वर धाम सरकार आए तो उनके लाने लौटाने हैं, जो करने हैं वो करने हैं। बेचारी हमारी जिठानी पटा रही अकेली हरे आई, तो हमने सोची इतना खमसी पटवा लेना, तर कहे के बताओ वीडियो बना भी आई मस्त, कहीं हम वीडियो बनाते कैसे घर वालों ज़्यादा पता तो है सास रिवारों के लाने वीडियो बनाते से कितनी परेशानी होते। तो जिठानी अकेली हरे पटार लगी यहाँ और हम सोच रहे हमने इतना वीडियो बना लें, जिठानी हमारे सपोर्ट में रहते हैं सही बताएं तो आप सबको, जिठानी हमारे और जी हमारी मेहनसी भरे जान आराध्या तो रहता ही किया का जो मतारी कर है वो मोड़ी के लाने तो कर नहीं पा रहे सपोर्ट। तो भैया हमारी आराध्या और हमारी मेहनसी हमारी जिठानी मतलब जिठानी जी हरे पटा रही है अभी हमारे फुल सपोर्ट में रहते हैं और आप और हम सपोर्ट करने हैं फुल। आप और हम वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने हैं कैसे, ताकि आपकी बहन निदाई न करना पड़े ना तर खा भी नहीं दे निदाई करना पड़ रही ए, अब बता साफ कर ले हरे पटा लिया जो जितनी अच्छे से निदाई करी, अब कहूँ बाप राज करी हो तो जाने कहूँ निदाई भले नहीं है पड़े लेकिन लेकिन निदाई नहीं करी कहूँ करना ही नहीं पड़ी भाव अपने भगवान की कृपा से माई के मैं तो हाथों के अपने लगाए रहते 4-5 मजबूत खेती के सानी के लाने घर को नहीं। कैसे आपने घर की हालत भी देख ली माई के कि हम ज़्यादा फेंक हैं तो नहीं, कैसे गरीबी है गरीब आदमी है। भैया चलो हम वीडियो बनाते हरे पटा लें, देखो ये पटा रहा है हरे आई इतना ज़्यादा कचड़ा जम हो बता और अब पानी के रखवाया आप सब मौसम लगा ही रहो जी आसो के भगवान हो तो समझ में नहीं आ रही है आसो के नहीं अब एक भगवान हो पता नहीं नहीं आराध्य तुमने पटा देखो आराध्य हरे ही पटा रही है आराध्य हरे ही नहीं पटा रही मूंग के पेड़े पटा रहे हैं पटाओ बेटा पा मूंग आए वहाँ ना पटाओ ना तर मम्मी दादी गुस्सा कर दादी डांट है कि देख कैसी हरे ही पटाई गई मूँग ही मूँग पटा के भग आई। चलो ठीक है वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए कैसे मूड प्राण लगो है और हरे ही पटाना है। अगर वीडियो बनाते रहे तो हरे ही नहीं पटाते हैं कैसे एक हाथ से मोबाइल पकड़ रहे हैं और एक हाथ से हरे ही पटाना है। सो हमारी हमारी से पट गई मूँग तो वैसे अच्छी मूँग है आसो की अगर पूरी मूँग पच जाए अच्छी कर जाए पानी खुल जाए अब
हम तो कम से कम 20-25 क्विंटल काढ़ है तो हम तो बड़े आदमी हो जाए का। हाँ भगवान से कि जो अच्छी उमपा जे हमारी जब हम बड़े आदमी हो जाए, आप और भी सपोर्ट करियो ठीक है। ये वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए कैसे। अरे आई नींद ने मैं उंग नींद ने ठीक है, मैं ले अगली वीडियो तब तक के लाने वीडियो शेयर कमेंट करके जरूर बताइए का परेशानी है, मतलब बागेश्वर सरकार के लाने का हुई है नया हो भगवान का कोई हो परेशानी नहीं हो जे कैसे भी तो बालाजी की कृपा है उन्हों का परेशानी हुई जो हमें परेशानी है बस अब दूर हो जाए ठीक है।